ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। तो लो जी, आज हम जा रहे हैं जनाब शॉपिंग के लिए, वो भी ईद की शॉपिंग। ये तो लाजमी होती है, यानी ये टाइम ऐसा होता है कि आपकी जेब हल्की होती ही होती है। तो अभी हम निकल पड़े हैं जी घर से, और आपको दिखाएंगे कि जी हम कहाँ से शॉपिंग करने जा रहे हैं और क्या लेते हैं और कितने आपकी बाइक की आप जेब खाली होती है। तो ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं जी, बलाज भी बैठा हुआ है और ये आज़ान है। हेलो आज़ान करो। हेलो। ओके जी, हम मिलते हैं जी आपको मार्केट के अंदर, और रास्ते में भी आपको थोड़ा बहुत दिखाते जाएंगे, व्यू दिखाते जाएंगे जी इस्लामाबाद की खूबसूरत सी रोड्स, और फिर मिलते हैं आपको मार्केट में। हम इस वक्त में जी हाईवे पे, और आपको दिखा रहे हैं जबरदस्त सिटी शॉपिंग प्लाजा की तरफ हमारी गाड़ी का इस वक्त वो है। और ये आप देख रहे हैं जी बाबा जी ऐसी पिक्चर नजर आ रही है।
चुके हैं जी इस वक्त मार्केट के अंदर और अभी शुरू होने लगी है जी अजान और बलाज की शॉपिंग। अजान और बलाज की शॉपिंग के बाद हम देखेंगे जी हमने मज़ीद क्या करना है। ओके एंट्री हो चुकी है जनाब, आपको भी दिखाते जाएं थोड़ा थोड़ा, आपकी भाभी सिलेक्ट करेंगे। मैं बस तो मैंने सिर्फ पैसे देने हैं बस, मेरा और कोई काम नहीं है फकत। हेलो, ये हो गई हैं, ये है मिस्टर अजान, से हेलो। हेलो। और ये हैं बालाज, हेलो बालाज। हेलो। हेलो, ठीक हो गया, बालाज ने भी हेलो कर दी जी। अब जनाब आप हमारे साथ रह के हमें बताएंगे कि कौन से, क्योंकि हम भी ब्रांड ही पहनते हैं यू नो। जी नहीं, हम कोई ब्रांड नहीं पहनते, हम जो मर्जी पहनते हैं, हम जो मर्जी पहन लें। और हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब इस शॉप पे। ठीक हो गया है, ये इनकी प्रमोशन हम फ्री में कर रहे हैं, डिस्काउंट हमें ये बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं नहीं सर, देंगे जी, भाई ने कमिटमेंट कर लिया है, डिस्काउंट देंगे जी। कौन सी वाली, कौन सी वाली बताओ, उधर उधर ही। ये आप बहुत बड़े हो गए हो, आप बड़े हो गए हो अभी। ये अच्छे हैं, ये देखो ये करेक्टर्स वाले, हाँ करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मुश्किल काम है ये, बेसिकली नॉट इजी वर्क। साथ रहिएगा, अजान कह रहा है ये ले। लेते हैं जी, फिर आप हमारे साथ रहिए। यहाँ तक तो हमने सिर्फ जो हमें यहाँ पर पसंद आया अजान और बलाज का वो हम आपको दिखाते हैं जी। कहीं भी दिखाते हैं, ये हमने एक ये हमने जी एक पेयर बनाया, ये बलाज का, ठीक हो गया। सेकंड हम दिखाते हैं जी अजान का, ये देखें ये है जी अजान का जी। अभी कुर्ता शलवार के लिए हम यहीं से नीचे जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक कि हम बिलिंग करवाते हैं और फिर मज़ीद नीचे जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या होता है जी। अब हम जाते हैं जी नीचे कुर्ते के लिए जी। अब कुर्ता कलेक्शन, सारी बात है ईद हो और कुर्ता ना हो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा होता नहीं है। ज़बरदस्ती कलेक्शन मिलेगी जी यहाँ पर भी आपको कुर्तों की, और देखिए जी तंग कर रहा है बालाज, असल में बालाज बहुत तंग करता है। अजान बहुत क्यूट है लेकिन बालाज, अल्लाह ही माफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? किड्स कुर्ता जी किधर मिलेंगे? अच्छा टू पीस, देखो जी किड्स के टू पीस देखें जी। बलाज, बलाज के पीछे रहना पड़ता है, बेसिकली मैं बलाज के पीछे ही रहूँगा तो बचत होनी है शॉप की ना,
वरना कुछ भी हो सकते हैं। हेलो चलो जी फलाज, व्हाट प्रॉब्लम? बहुत बड़ा है अजान, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा क्या हो गया? अजान इधर आएगा? नहीं देख रही, माँ के काम देखे, इसको ये भी नहीं पता कि कुत्ता बच्चे के लिए बड़ा उठाया हुआ है। जी ये आप इंसाफ करेंगे कि ये बड़ा है या नहीं? 5 to 6 इयर्स लिखा है नहीं यार, बड़ा है वो, बड़ा है, बड़ा है जी ये कुर्ता। मैं ठीक निकला, ये कुर्ता बड़ा है, कमीज है ना, कुर्ता नहीं है ना। वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि यार औरतों के साथ आके शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, और इनकी चॉइसेस अल्लाह माफ़ करे वक्त पड़ जाता है। और मैं तो बिल्कुल जनाब तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, आपको मेरी हालत से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आई एम सो टाइट, थक गया हूँ। और अभी तक आपकी ना भाभी की ना कुछ शॉपिंग की हमें समझ नहीं आ रही कि वो असल में लेना क्या चाह रही हैं। अब किसी और दुकान के अंदर के इन हो रही हैं, तो देखिए देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन हो चुकी हैं जनाब इस शॉप के अंदर। आप देखते हैं कि यहाँ पर इनको क्या मिलता है और कैसे मिलता है, और ये क्या यहाँ से ढूंढती हैं अपनी ज़ात के लिए ना। अब जब इनकी अपनी ज़ात की बात आई तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टची होगी सिलेक्शन में। हेलो, तो अब देखते हैं कि जी यहाँ से ये क्या खरीदती हैं, चलते हैं शॉप के अंदर और देखते हैं कि जी ये यहाँ से अभी क्या लेती हैं। अजान आ जाओ, ठीक हो गया जी, हम इन हो चुके हैं, देखते हैं कि आप मोहतरमा किस खाने में हैं, ये काम चेक करें अपने लिए। तो ये इतनी सिलेक्शन है अब, तो ये तुम्हें पता होगा, ब्लैक अच्छा है, ज़बरदस्त। ऑडियंस से पूछते हैं जी, अपने व्यूअर्स से पूछते हैं, अपने पूरी तरह यूट्यूब फैमिली से पूछते हैं। आप लोग यकीन माने कि मेरी और अजान की इस वक्त हालत देख लें कि हम लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि जी वो एंड वाला काम हुआ है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और आपकी भाभी को अभी तक कोई सूट पसंद नहीं आया, बिल्कुल सवाल अभी तक वो सर्चिंग में लगी हुई है, और हम लोगों का बिल्कुल इस वक्त एंड हो चुका है भूख से। ये अजान क्या लगी हुई है बताओ? खाना खाना, हमने खाना खाना है जी, लेकिन इसकी माँ जो है अभी तक उसकी चॉइस ख़त्म नहीं हो रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, और कमाल ही होगी और हद ही होगी है। और दुआ करें जी आप सब लोग मिलके बालाज नो कि अल्लाह ताला हमारी भी मदद करे। वो देखें, वो एंड में लगी हुई है, वो देखें क्योंकि हमारा नज़दीक हुआ नहीं होगा ना, अभी तक फौला फौली तकरीबन कुछ 18 से 20 शॉप्स पर ये जा चुकी है, और इस्लामाबाद की सबसे अच्छी ये मार्केट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन ना जी ना, दुआ करें हो जाए। लें जी खाने की बारी आ गई और हम आ गए हैं जी पाव जी के ऊपर, आज मुर्ग पुलाओ, और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखें जी सब्जी वगैरह और राइस वगैरह जनाब, क्या बात है। और अब हम जा रहे हैं जी पाव जी में, चलते हैं राइस खाते हैं जी, आज पुलाव खाते हैं। बिलाखिर हमें मिल गई मुझे और अजान को खाने की बारी है, बड़ा ज़बरदस्त है इनका बैठने का, ये देखने में ज़बरदस्त है, एक सिस्टम है इनका सिटिंग अरेंजमेंट, यानी सब इजी हो गई, यानी इतनी लंबी चौड़ी, यानी वो जो होती है ना घूमने के बाद और खपाई के बाद, यानी ओबियसली जब वाइफ साथ हों, और सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है मर्दों का ये वाला, सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई तन ये मुश्किल वक्त है। सिर्फ 8 दुकानों पे जी, सिर्फ और सिर्फ 8 दुकानों पे ये घुसियाँ मुझे तकलीफ हो गई है, अल्लाह माफ़ी दे। खाना आता है जी, फिर आपके साथ खाना भी शेयर करते हैं कि क्या हम मंगवा रहे हैं और क्या हम खा रहे हैं। ओह वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी, एक्चुअली भूख बहुत लगी हुई थी और हम भूल गए आपको दिखाना, जब हमने जनाब कढ़ाई मंगवाई, और ये क्या कि राइस, ये राइस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये देखो पागल हुई है खाना खाए, चक काम जाते हैं, कोई इसको होश नहीं है कि ये यूट्यूब का ब्लॉग बन रहा है। ये देखो भूख लगी है ना भाई, क्या लगी हुई भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। रमजान भी अब फ्रेश है, वाह ये देखें जी कढ़ाई, बाबू जी की कढ़ाई बहुत मज़े की, चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की है, साथ में कुछ कबाब थे, और ये सारा कुछ हम खा रहे हैं, और ये अजान ये खा रहे हैं। देखिए अजान कितने अच्छे तरीके से खाना खाता होता है,
और इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी फिर आपको घर जाके अभी।